नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच दिसंबर महीने में हुई झड़प के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश पहुंचे और एलएसी के पास एक पुल का उद्घाटन कर भारत की रक्षा तैयारियों को बल प्रदान किया तथा अपने संबोधन के माध्यम से चीन को कड़ा संदेश भी दिया। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें सबसे खास सियोम पुल है जो कि सियोम नदी पर बनाया गया है। यह पुल रणनीतिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक नियंत्रण रेखा के दूर दराज के क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने में सहायक सिद्ध होगा। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर दिए अपने संबोधन में कहा कि सीमा सड़क संगठन ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में निर्मित 28 मूल ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि मुझे बड़ी खुशी और गौरव का अनुभव हो रहा है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों को, केवल आप ही को नहीं बल्कि पूरे अरुणाचल प्रदेश के बहनों भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जैसा आपको बताया गया है कि देश के 7 स्टेट्स यूटी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, राजस्थान और पंजाब तथा उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को राष्ट्र के रूप में आज समर्पित किया जा रहा है। एक साथ इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन सीमाई इलाकों के विकास के प्रति सरकार और बीआरओ के सम्मिलित प्रयासों का ही यह परिणाम है। नए साल के अवसर पर सीमावर्ती इलाकों में जनता को इन प्रोजेक्ट से बेहतर शायद ही कोई और उपहार दिया जा सकता है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में डेवलपमेंट के नए आयाम स्थापित किए हैं। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो या टूरिज्म हो, ऐसे लगभग सभी सेक्टर्स में इस ऊंचे प्रदेश ने नई ऊंचाइयों को हासिल करने में कामयाबी प्राप्त की है। और आज यह उद्घाटित हो रहा यह सियोम ब्रिज इस रीजन पर ही समस्त अरुणाचल प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, संबंधित सारे स्थानीय लोगों सहित समस्त देशवासियों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और इन प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है ताकि वहां रहने वाले लोगों को विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति एक विश्वास की भावना भी विकसित हो सके। अभी कुछ ही समय पहले अक्टूबर 2022 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था और इसके अंतर्गत मैंने लद्दाख में श्योक ब्रिज का उद्घाटन किया था। इस पुल के पूरा होने से सभी मौसमों में हमारी आर्म फोर्सेस के हैवी इक्विपमेंट, टैंक्स और गन्स का दुर्गम श्योक नदी को तेजी से पार करना सुनिश्चित होगा और हमारी रक्षा में भी स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। और इस दौरान जब मैं लद्दाख गया था तो मैं वहां के लोगों से मिला था और उससे मैंने बातचीत भी की थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि भारत माता का जय हो, भारत माता की जय का उद्घोष वहां के लोगों ने किया था। भारत माता की जय का यह उद्घोष जो श्योक के किनारे वहां के लोगों और हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने मिलकर लगाया था, थोड़ी देर के लिए मानो उस विसर्जन में भी उल्लास भर गया था और पत्थरों में भी तरंगें उठने लगी थी। यह देखकर भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर मेरा विश्वास और गहरा हो गया था
और वह केवल एक उद्घोष भर नहीं था, केवल एक जय जयकार भर नहीं था, बल्कि हमारे देश की संप्रभुता को अक्षुण रखने का बीआरओस और सेना और आम नागरिकों का एक मिला जुला संकल्प था। वह एक विश्वास का उद्घोष था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम भारत माता की आन बान तान पर किसी भी सूरत में आंच नहीं आने देंगे। मुझे उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि चाहे डेमचौक हो या डीएफ दौलत बेग ओल्डी सेक्टर, लद्दाख में रोड्स के डेवलपमेंट की गति, यह सब अभूतपूर्व है। पहले डेमचौक में लोगों को दर्रा पार करने के लिए घोड़ों और खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ता था, पर आज वे किसी भी वाहन से यात्रा कर सकते हैं। वैसे तो सुनने में यह बड़ी साधारण सी बात लगती है, पर जो लोग अब तक बिना किसी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अपनी जिंदगी बिताते आए हैं, उनके लिए यह डेवलपमेंट बहुत बड़ी बात है। साथियों, बदलती दुनिया, बदलते समय और राष्ट्रों के बदलते इंटरेस्ट के मद्देनजर किसी भी राष्ट्र को अपने आप को सतर्क रखना एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में आए दिन किसी न किसी प्रकार के कंफ्लिक्ट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति पैदा होती हुई दिखाई देती है। हालांकि भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ रहा है और यही हमारे भारत की नीति रही है, और यह कोई आज की बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसने कि पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज फैमिली यह संदेश दिया है। हमने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानने वाला दुनिया का इकलौता देश यदि कोई है तो हमारा और आपका देश यह भारत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने हमें सिखाया है कि शस्त्र धारण किया जाता है तो शास्त्र अथवा धर्म व मर्यादा की रक्षा के लिए शस्त्र धारण किया जाता है। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया है कि दूसरे देशों और राज्यों पर आधिपत्य के लिए युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। लंका पर विजय पाने के बाद उन्होंने स्वयं राजा बनकर न्याय संगत व्यवहार करते हुए विभीषण जो उन्हीं के उत्तराधिकारी थे उन्हीं को राजा बनाया था। भगवान बुद्ध ने भी हमें अहिंसा का ही पाठ पढ़ाया है। इसी महान विरासत के चलते भारत ने कभी भी कोई युद्ध अपनी तरफ से प्रारंभ नहीं किया और न ही किसी देश की एक इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिस इज नॉट द एरा ऑफ वार यह कहकर भारत के संकल्प को पुनः साफ कर दिया है और दुनिया का ध्यान इस संकल्प की ओर उन्होंने आकर्षित किया है। यानी हम युद्ध में यकीन नहीं रखते, पर अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हमने उसका जमकर मुकाबला किया है और आगे करेंगे भी, इस पर भी हमारा पूरा यकीन है। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और हम तैयार हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा इस बात को गंभीरता से ध्यान में रखती है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सदैव उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहता है। साथियों, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। खासकर ऐसे समय में जब ठंड पड़नी शुरू होती है, कई इलाकों में रास्ते बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये सभी प्रोजेक्ट हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हम जिस तरह दिन ब दिन मजबूत हुए हैं उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और साथियों, अभी कुछ समय पहले का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम उसका दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे,
वह बिना पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचों के विकास के संभव नहीं हो सकता। ऐसी सिचुएशंस में हमें इन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए और भी प्रेरित करती है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है कि इन इलाकों के डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बीआरओ जैसा एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे बहनों भाइयों, बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोगों के जीवन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से बहुत बड़ा अंतर आता है, यह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसका अनुभव आप सबको होता होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मैं आप सबके लिए और आप जैसे अन्य जो लोग हैं उनके लिए एक गेम चेंजर मानता हूं। आज हम मैदानी इलाकों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोड्स की जगह स्मार्ट रोड्स बना रहे हैं, पर अनेक बॉर्डर एरिया में आज भी रोड्स की किल्लत है, रोड्स की कमी है। यहां तक कि संचित पगडंडियां भी लोगों को आने जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। अनेक ऐसे दुर्गम स्थान हैं जिन्हें सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन और हेल्थ जैसी बेसिक सिविक एमिनिटी प्राप्त करने के लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। मेरे बहनों भाइयों, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा रहा है। कभी सिक्योरिटी इशूज के नाम पर तो कभी कनेक्टिविटी न होने की वजह से आजादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास को दूर अपनी मूलभूत जरूरतों तक से यह वंचित रहा है। इसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफी प्रभावित रही है। इस संबंध में हमारा मानना है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन न केवल हमारे देश के समग्र विकास के लिए बल्कि ईस्ट एशिया के साथ हमारे संबंधों, ट्रेड, ट्रेवल और टूरिज्म का भी गेटवे है। हमारा देश का यह पूर्वी हिस्सा जितना अधिक मजबूत होगा, हमारा पूरा देश उतना ही अधिक मजबूत होगा। इसलिए सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को हमेशा अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार द्वारा इन एरिया के डेवलपमेंट पर गंभीरता से ध्यान दिया गया, जिसके चलते हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक कई गुना मजबूत हुई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब मैं गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहा था तब भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए मैं यहां आता रहता था और इसके लिए हमने कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि बीआरओ केवल आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करता है, पर मुझे लगता है कि बीआरओ इससे कहीं आगे कनेक्टिंग प्लेसेस, कनेक्टिंग पीपल की फिलॉसफी के साथ देशवासियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है और अपने ध्येय वाक्य यानी त्रिवेण सर्वम साध्यम को चरितार्थ भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। अत्यधिक दुर्गम और रिमोट एरिया में काम करने वाले बीआरओ के कर्मयोगी कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर उन जगहों पर भी पहुंच गए हैं जहां और लोगों के द्वारा पहुंचने का प्रयास कभी नहीं किया गया। मेरे बहनों भाइयों, मेरे पास खबरें आती रहती थी कि इमरजेंसी के केस में ऐसे इलाकों के लोग अक्सर तत्काल चिकित्सा की सुविधा नहीं प्राप्त कर पाते थे, पर वक्त बदल रहा है। आज मुझे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और मिजोरम के रिमोट एंड डिफिकल्ट लोकेलिटी पर स्थित मेडिकल इंस्पेक्शन रूम्स में 3 टेलीमेडिसिन नोड्स का उद्घाटन करते हुए भी बेहद खुशी हो रही है। और ये नोड्स टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन के माध्यम से मेडिकल एंड सर्जिकल इमरजेंसी में शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान के लिए स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। यह सब नॉर्थ ईस्ट की जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक क्वांटम इंप्रूवमेंट, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे साथियों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम को जब मैंने पहले साठ में लिखा हुआ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लिखा जाता, पहले जब मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बचपन में नहीं जानता था तो मैंने उसे ब्रो समझा था। यह बीआरओ, यह ब्रो है।
जिसे आजकल हमारी नई जनरेशन ब्रदर यानी भाई के सेंस में यूज करती है। पहले बीआरओ को मैं समझा कि बीआरओ नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानता था, मैं समझा ब्रो है, यानी इसको भाई कहते हैं आजकल। और मुझे बताया गया कि यह ब्रो नहीं है, यह बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। पर आज जब मैं इस संगठन को हमारी आर्म फोर्सेस और देश की जनता के साथ मिलकर आगे बढ़ते देख रहा हूं, तो उनके लिए दिन रात मेहनत करते हुए देख रहा हूं, तो मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि तब मैंने बीआरओ को ब्रो यानी ब्रदर गलत नहीं बल्कि सही पढ़ा था। बीआरओ यानी हमारी सेनाओं का ब्रो यानी हमारी सेनाओं का ब्रदर, बीआरओ यानी हमारे देशवासियों का ब्रो यानी हमारे देशवासियों का ब्रदर, बीआरओ यानी आप सबका ब्रो यानी आप सबका ब्रदर। और साथियों, हाल के दिनों में देश में रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भारी वृद्धि देखी गई है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में काफी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास तेजी के साथ हुआ है। और यह सब निर्माण के क्षेत्र में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण ही यह संभव हो पाया है। और एक टेक्निक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर लगातार ध्यान देने के साथ आर्थिक दृष्टि से भी बेनिफिशियल, प्रोडक्टिव और टाइम सेविंग साबित होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जारी होने वाले कंपेंडियम में कुछ नई टेक्नोलॉजी और बीआरओ द्वारा इंप्लीमेंटेड इनोवेटिव आइडियाज पर जोर दिया गया है। इन न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स का उपयोग बीआरओ को निर्माण की गति और गुणवत्ता बढ़ाने में सक्षम बनाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड की प्रेरणादायी इंस्पिरेशनल और विजनरी लीडरशिप में बीआरओ नेशनल बिल्डिंग की ओर लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। जैसा कि रोड्स के बारे में किसी ने कहा है, इट इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द जर्नी। आपके भी मैं कहना चाहूंगा कि सीमाई इलाकों में रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कार्य आप लोगों के लिए एक यात्रा की तरह ही है, और इसका डेस्टिनेशन एक सशक्त, समृद्ध और समर्थ भारत है। और मुझे विश्वास है कि बीआरओ राष्ट्र निर्माण के अपने प्रयासों में निरंतर सफलता प्राप्त करेगा और भविष्य में देश के बढ़ते कद में एक की कंट्रीब्यूटर माने प्रमुख योगदान वह करेगा, ऐसा मेरा विश्वास। और मेरे बहनों भाइयों, इस अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता, जीओसीएनसी ईस्टर्न कमांड, और लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, जीओसी 3 कोर की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। आर्मी के सहयोग व समन्वय से यह ईस्टर्न कमांड की एरिया में बीआरओ बहुत अच्छा काम कर पा रहा है। सबके कोऑर्डिनेशन के कारण ही यह संभव हुआ है। मैं हमारी आर्म फोर्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और एलओडी को भी इन उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और आप सभी सदैव कुछ नया करते रहिए और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना योगदान देते रहिए। इसके लिए मैं आप सभी को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, आपको मैं बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से समस्त अरुणाचल के बहनों भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, जब से देश में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत सारी दुनिया की नजरों में बढ़ी। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए उतनी गंभीरता पूर्वक नहीं लेती थी, लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत के भविष्य सारी दुनिया में बनी। इस अवसर पर इससे ज्यादा मैं कुछ न कहते हुए आप सभी के सम्मिलित प्रयासों की मैं सराहना करता हूं, और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर आप सभी और समस्त देशवासियों को बधाई और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।